हाँ तो बच्चों, आज आप लोग चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे। चैप्टर टू में आप पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ द होल नंबर, यानी नंबर का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बच्चों, आप लोग पिछले क्लास में भी आप लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड पढ़े हैं, तो सेकेंड चैप्टर में पहला एक्सरसाइज में आपको यही पढ़ना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सबसे पहले आप लोग ऐड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में कहता है कि ऐड द फॉलोइंग नंबर। नंबर आपका दिया हुआ है 6,14,040 एंड 2,37,081। इस नंबर को सबसे पहले हम ऊपर नीचे अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद राइट साइड से एक एक नंबर हम लोग ऐड करते हैं, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में किए हैं। जैसे 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, 4 और 8 को ऐड करेंगे तो 12 होगा, 12 को यहाँ 2 लिखते हैं और 1 कैरी में रखते हैं जो बगल वाले नंबर के साथ ऐड कर देते हैं। ये 0 और 0 0 होता है, इसमें ये कैरी 1 ऐड करेंगे तो 1 हो गया। इसके बाद 4 और 7 को ऐड करेंगे तो 11 का 1 लिखेंगे, कैरी 1 हो गया जो कि बगल में जोड़ देंगे। फिर 1 और 3 4 होता है, 4 में एक कैरी जोड़ेंगे तो 5 हो गया। इसमें कैरी नहीं बचा है ये। इसके बाद 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 और 2 कितना 8 होगा। तो इस प्रकार ये नंबर कितना हो गया, 8,51,121। इसी तरह बच्चों, एक नंबर सवाल में 4 सवाल दिया हुआ है ए से डी तक, जिसमें का एक क्वेश्चन आप देखे हैं कैसे बना है, इसी तरह आप बाकी का क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर, इसमें घटाना है आपको। इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पहला में ऐड, दूसरा में सब्ट्रैक्ट, तीसरा में मल्टीप्लाई, चौथा में डिवाइड। तो सब्ट्रैक्ट देखिए, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर 1,17,289 फ्रॉम 4,63,189, यानी 4,63,189 में से आपको ये 1,17,289 को घटाना है। तो इसको सबसे पहले हम ऊपर नीचे अरेंज कर लेंगे। जिस नंबर में से घटाना है वो नंबर ऊपर लिखेंगे और जिसको घटाना है वो नंबर नीचे लिख दिए। आप इसको घटाइए जैसा कि आप पिछले क्लास में सब्ट्रैक्ट बनाए हुए हैं। 9 में से 9 काटेंगे तो 0, 8 में से 8 काटेंगे तो 0, 1 में से 2 नहीं घटेगा। तो बगल से एक कैरी लेंगे, तो बगल से कैरी लेंगे तो 10 हुआ और 1 ये यहाँ 1 है तो ये 11 हो गया। 10 और 1 11, 11 में से 2 काट देंगे तो कितना बचेगा, 9। इसके बाद यहाँ 3 है, एक कैरी दे दिए थे तो यहाँ 2 बच गया, 2 में से 7 काटेंगे तो नहीं।
से 15 कैरी हुआ और 2 यहाँ पहले से है, तो 12 हो गया। 12 में से 7 काटेंगे, कितना 5 बचेगा। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ 6 है, 6 में एक कैरी आप दे चुके हैं बगल में, तो यहाँ 5 बच गया। 5 में से 1 काटेंगे तो 4 होगा। इस प्रकार इसके बाद यहाँ 4 है, इसको ये कैरी नहीं दिया था, तो 4 में से 1 को काटेंगे तो 3। इसी तरह बच्चों इसमें भी 4 सवाल दिया हुआ है, ए से डी, जिसमें एक आप देखे कैसे बना है, इसी तरह आप बी सी और डी बनाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर, यानी जो नंबर दिया हुआ है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जिस तरह आप पिछले क्लास में मल्टीप्लाई बनाए हैं, उसी तरह इस क्लास में भी आपको मल्टीप्लाई बनाना है। मल्टीप्लाई में दिया हुआ है 25,834 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो बच्चों पहले इसको इस तरह लिख देंगे ऊपर नीचे, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8×4 क्या होता है 32। 32 का यहाँ 2 हो गया और कैरी बच गया 3। कैरी क्या बच गया 3। इसके बाद 8 से 3 में करेंगे तो 8×3=24। 24 में ये 3 जोड़ देंगे, 25, 26, 27। 27 का 7 लिखेंगे, इसका कैरी 2 यहाँ हो गया। इस तरह फिर 8 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×8=64। 64 में 2 ऐड करेंगे तो 66। 66 का 6 लिखेंगे और कैरी 6 हो गया। इस प्रकार फिर 8 को 2 से गुणा करेंगे, 8×2=16। 16 में ये 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 22। और 8×5 जा चुक गया, सॉरी पहले 8 में 5 से करेंगे, 8 के बाद 8 में 5 से करेंगे तो 8×5=40। 40 में 6 जोड़ेंगे तो 46। 46 का 6 हो गया कैरी 4। तब लास्ट में 8 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8×2=16। 16 में 4 जोड़िए 20, तो ये 20 हो गया। इस प्रकार से ये नंबर कितना हो गया 2,6,672। इसी तरह आप मल्टीप्लाई बनाएंगे, मल्टीप्लाई यहाँ 1 डिजिट से भी मिलेगा आपको, 2 डिजिट से भी मिलेगा, 3 डिजिट से भी मिलेगा, जैसा आप पीछे बनाए हैं उसी तरह आप ये मल्टीप्लाई इसमें का और 3 मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यानी टोटल 4 मल्टीप्लाई है ए से डी तक। एक आप देख चुके कैसे बना है, इसके बाद बी सी डी आप सेम बनाएंगे। 4 नंबर सवाल में कहता है कि डिवाइड द फॉलोइंग नंबर, नंबर दिया हुआ है 2,04,940 को डिवाइड करना है 8 से। तो हम लोग पहले इसको ऐसे लिखते हैं डिवाइड में, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं, जिस नंबर में डिवाइड करते हैं उस नंबर को डिवाइडेड बोलते हैं, और जो आंसर आता है वो कोशिएंट कहलाता है, नीचे जो नंबर बचेगा उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो डिवाइड देते समय आप हमेशा ध्यान देंगे कि जिस नंबर से हमें डिवाइड देना है वो कितने डिजिट में है, यहाँ 1 डिजिट में है तो 1 डिजिट
वन डिजिट में टू है, एट से टू में डिवाइड नहीं होगा, तब आप दो डिजिट ले सकते हैं यानी 20। 20 में आप डिवाइड करेंगे तो आप एट का टेबल पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे जब तक 20 से पार न हो। जैसे 8 1 8 8 2 16 8 3 24, 20 से आगे हो गया 24 थ्री बार में, तो हमें एक कम यानी 20 से कम नंबर लेना है, तो यहाँ 2 बार में जाएगा 8 2 16। अब 16 लिखकर इस नंबर में से इस नंबर को हम घटाते हैं, 0 में से 6 घटाएंगे तो 0 से 6 नहीं घटता है, तो बगल से कैरी लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 हो गया। यहाँ 2 है, एक कैरी दे दिए तो 1 बच गया, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 होगा, यानी इधर काट देते हैं या 0 भी लिख सकते हैं। डिवाइड देने के बाद ऊपर से एक नंबर यानी 1 डिजिट नीचे लाएंगे, 0 तक भाग दे दिए थे, 0 के बाद 4 है तो यहाँ 4 नीचे उतारेंगे। हम यहाँ नंबर हो गया 44, आप 8 का टेबल पढ़ेंगे, 44 आना चाहिए या उससे कम, तो 8 5 40 और 8 6 46, 46 ज्यादा हो गया तो 5 बार में डिवाइड करेंगे, 8 5 40, इसके बाद इसको माइनस करेंगे, 4 में से 0 गया 0 और 4 में से 4 गया तो ये कट गया, यानी दोनों नंबर आप 0 में से 4 में से 0 गया, 4 ये 4 में से 4 गया कट गया, तो यहाँ नंबर क्या बच गया 4। 4 के बाद देखिए कौन सा नंबर है 9, तो 9 को यहाँ लाएंगे, फिर 8 का टेबल पढ़ेंगे, 49 से कम होना चाहिए तो 8 6 48 और 8 7 56, 56 ज्यादा हो गया इसीलिए यहाँ 6 बार में हम देंगे। अब इसको घटाइए, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 4 काटेंगे तो कट गया, 9 के बाद 1 है तो 1 यहाँ लाएंगे तो ये नंबर कितना हो गया 11। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, 11 से कम होना चाहिए, 8 1 8 8 2 16 16 ज्यादा हो गया तो 1 बार में देंगे, 8 1 8। अब इसको माइनस करेंगे, 11 में से 8 गया 3, इसके बाद 1 के बाद ये 4 है, 4 नंबर यहाँ उतारेंगे, अब हो गया 34। अब 8 का टेबल पढ़िए, 34 में कितने बार में डिवाइड होगा, 8 1 8 8 2 16 8 3 24 और 8 4 32, 8 5 40 40 ज्यादा हो गया तो 4 बार में देंगे, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 3 गया कट गया, यानी इसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं। आंसर मेरा ये आया 25,640, जिसको क्वोशेंट बोलते हैं, और नीचे जो 2 बच गया इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप डिवाइड बनाएंगे। इस क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं ए से डी तक, जिसमें एक आप अभी ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं कैसे बना है, इस तरह आप इसका बाकी 3 सवाल बनाएंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5। हाँ तो बच्चों इसमें एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और नंबर के बीच कुछ रिलेशन भी दिए हुए हैं, ऐड का सबट्रैक्ट का।
39 को, तो इक्वल आंसर में दे रहा है यहाँ ब्लैंक प्लस 169,139। लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि ये नंबर इस नंबर के इक्वल है, इसका मतलब है कि इस नंबर को इसमें भरेंगे तो दोनों नंबर आपस में इक्वल हो जाएगा। बी नंबर नहीं लिखे हैं, ये सी नंबर है। सी नंबर में कहता है कि 192,169 में से कितना नंबर माइनस करेंगे कि जीरो आएगा। तो बच्चों किसी भी नंबर में से अगर उसी नंबर को माइनस कर देते हैं तो आंसर जीरो होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यही नंबर 192,169। डी नंबर में कहता है कि 18,734 में यदि हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा। तो बच्चों आपको पहले भी बताया जा चुका है और आप जानते भी हैं कि किसी भी नंबर में जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। इसी तरह एक तो और रूल बता देते हैं जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेगा। किसी भी नंबर में जीरो माइनस करेंगे तो वही नंबर आंसर आता है। किसी नंबर में अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है। किसी नंबर में अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जीरो आता है। इस रूल को ध्यान में रखते हुए ये फिल इन द ब्लैंक्स में ए से एच तक दिया हुआ है क्वेश्चन, इसे आपसे बनाएंगे।